नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम लालगंज प्रखंड के वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड में हैं और हमारे साथ यहाँ सररिया पंचायत के मुखिया हैं राकेश कुमार यादव उर्फ लखेंद्र यादव जी हैं हमारे साथ। क्या कुछ बीते 17 से 18 महीनों में पंचायत में विकास का काम हुआ है, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले ये पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि हैं लखेंद्र जी। सबसे पहले मुखिया जी, आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल हम नल जल योजना पे करेंगे। नल जल योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना माना जाता है, क्या लग रहा है धरातल पर है पंचायत में? जी, धरातल पर हम 2021 में हमारी जो मुखिया मेरी मैडम श्रीमती उर्मिला राय बनी है, तो नल जल लमसम सभी वार्ड में सुचारू रूप से चालू करा दिए हुए हैं। सरकार का नियम बदलते रहता है, फिर सरकार का नियम आ गया कि अब पंचायती राज से हटा करके और पीएचडी को दिया गया। अब पीएचडी समझे और सरकार समझे कि अब इसके बाद से कैसा नल जल चलेगा कि न चलेगा, वो सरकार का निर्णय है। मेरे रीजन भर तो बढ़िया चल रहा था, सभी वार्ड में चल रहा था। अभी जो सरकार के मतलब पीएचडी वाले को अंडर में गया है, क्या लग रहा है तब से पंचायत में पानी की कुछ समस्याएँ हो रही हैं? अभी भी जो पीएचडी के अंडर में जो गया है उसके बाद अभी भी हम अपने तरफ से जहाँ जनता का मांग होता है कि मुखिया जी वहाँ पानी गिर रहा है और नल टूट गया, तो हम अपने तरफ से लगा देते हैं, लेकिन पीएचडी वाला इसका कोई सुनवाई नहीं। अधिकारी जो जेई हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, वो लोग सुनते हैं, आते हैं जेई, खासतौर पर प्रखंड के लिए पंचायत के लिए जेई होते हैं, जेई लोग यहाँ आते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं। अब पंचायत प्रखंड के जेई जो है वो तो ऐबे करते हैं, पंचायत सचिव है वो भी आते हैं, लेकिन मेन बात है कि अब पीएचडी के बात कर रहे हैं कि पीएचडी का जेई हो या ओवर अति एसडीओ हो, उनको चाहिए कि पंचायत में जा कर के देखे कि क्या मेरा नल जल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये तो अब सरकार को भी सोचना चाहिए। अभी योजना की बात कहिएगा, केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, दोनों जो है एक दूसरे पर खेपा खेपी कर रहा है। मान लिया जाए कि हम लोग के योजना का पैसा 21-22 का आया, उसके बाद आवास का पैसा 21-22 को आया, उसके बाद 21-22 को आया और 22-23 का पैसा दोनों सरकार मिल करके वो ओकरा पर ठिकरा फोड़ रहा है, वो उस पर ठिकरा फोड़ रहा है और खाली पंचायत में हेरा फेरी का काम हो रहा है कि अब यह योजना ऐसे होगा वैसे होगा। अरे भाई, कैसे कराओ तो जनता का काम। प्रधानमंत्री भी मतलब महत्वपूर्ण योजना है सरकार की, जनता उससे भी, आपके पंचायत में क्या लग रहा है, लोगों को कुछ लाभ मिला है इसका, प्रधानमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना? कहे ना कि 2021 में जब चुनाव मेरी मैडम जीती तो 21 में अलॉट आया कि हाँ इतना घर आपको दे देना है, 296 घर। तो 296 पूर्व मुखिया का सूची बना हुआ था, उसको हमने जांच पड़ताल करवा करके या उसके बाद 296 घर देने को काम किया। उसके बाद तो राशि नहीं आया तो फिर दोबारा जनता को कहाँ से मिलेगा? और जनता कहता है कि मुखिया जी हमरो आवास, हमरो आवास जोड़ दीजिएगा, तो मुखिया जी कहाँ अपना कपार में से जोड़ेंगे। लेकिन मुखिया जी, इस बात पे हम कहेंगे, आपका 2 साल का समय लगभग पूरा हो गया है, 3 साल का शेष रह गया, क्या लग रहा है 3 सालों में पंचायत में जो काम है, बहुत सारा काम है जो विकास में आता है, क्या लग रहा है 3 सालों में काम हो पाएगा सही से? अब सरकार का जो माने देख रहे हैं कि एक वित्तीय वर्ष खा गया, अब ये दूसरे 23-24 वाला आया है, अब उसके बाद अब लोकसभा का चुनाव आ गया सिर पर, अब वो लोकसभा में फिर अगला वित्तीय वर्ष मिलेगा कि न मिलेगा इस पर सोच। लोकसभा की आप बात कर रहे हैं, सांसद वोट भी आप ही लोग से पाते हैं, तो क्या लग रहा है इस चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें अहम भूमिका नहीं रहेगी पंचायत की? हम लोग तो अमरी सोच रहे हैं कि वो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, पार्टी कोई हो, जब पंचायत में जब चुनाव होता है तो विधायक जी आएंगे, मुखिया जी को धरेंगे कि मुखिया जी आइए, मुखिया जी को मान सम्मान करेंगे। लेकिन आज जो बिहार सरकार सभी योजना पर अंकुश जो लगा करके अब मुखिया जी लोग को बुड़बक बना रहे हैं, इस पर कोई विधायक जी नहीं पूछ रहे हैं, कोई किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी का हो,
और मैं पार्टी से हूँ, राष्ट्रीय जनता दल से, हाँ। लेकिन चुनाव में हम लोग निर्दलीय को मदद करके जिताने का काम करेंगे, आटी पार्टी हम लोग नहीं देखेंगे। जो हमारे साथ विधायक एमपी नहीं है तो मैं उनके साथ क्यों रहूँगा? जनता तो हम ही लोग के धरता है ना कि मुखिया जी काम वो काम, तो हम लोग से जो बनता है वो कराते हैं। और पैरवीय की बात है तो पैरवी की बात है, थाना हो, ब्लॉक हो, जहाँ की ज़रूरत है वो हम लोग जो होने वाला होता है करा दिया जाता है। लेकिन हम लोग के न विधायक है न एमपी है। ऐसे पूरे बिहार में देखिएगा तो सारा मुखिया जी, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच साहेब, सब कोई सरकार से इस बार विधायक हो या सांसद हो, जवाब देने वाले हैं आप, पंचायत के प्रतिनिधित्व करते हैं आप, एकदम जवाब देंगे। कह रहे हैं ना कि खुल के जवाब देंगे हम लोग, सरकार को सिखा देंगे कि हाँ एक पंचायत का मुखिया कितना कैपेसिटी होता है। हम लोग डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं, ये तो नहीं है कि हाँ विधायक जी आए हैं कहीं के कोई टिकट दे दिया, हम लोग पार्टी के नाम पर मदद कर देते हैं। अमरी ऐसा नहीं होगा, देखिएगा आप लोग सुनिएगा। 3 साल बाद मुखिया का भी चुनाव है, क्या लग रहा है? पंचायत में जनता कुछ विश्वास करके आपको चुनी थी, जो भरोसा है, भरोसा पर कायम उतरेंगे? एकदम जनता से पूछिए, भरोसा पर तो हम लोग कायम रहते हैं। जनता को तो जो काम है वो काम हम लोग कराइए देते हैं। अब जैसे कि मेन समस्या होता है रोड हुआ, तो रोड तो हम अभी तक बना दिए 7 गो पिछले योजना की राशि से। अब जो नया राशि आया है उससे जो बचा हुआ है उसका भी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। अब प्रक्रिया भी विभिन्न प्रकार का है, अब पहले वाला नहीं है। 2001 में मैं मुखिया था, उस घड़ी मुखिया जी जो चाहते थे वो कर लेते थे, आज वो बात नहीं है। एक मुखिया जी के पीछे 8 गो पदाधिकारी को लगा दिया गया, तो पदाधिकारी का खेल आप लोग भी जानते हैं क्या हो गया। अच्छा, पदाधिकारी की आप बात कर रहे हैं, पदाधिकारी सहयोग करता है जो प्रखंड हो या फिर पंचायत लेवल के जो पदाधिकारी हैं, सहयोग करते हैं विकास में? सहयोग करते हैं, लेकिन एस्टीमेट तो बढ़ जाता है, तो काम उसी तरीका से ना होगा। लेकिन फिर भी हम लोग जनता के बीच में है तो हम लोग तो अपना जनता को देखते हुए काम तो अच्छे करेंगे ना, न करेंगे तो 5 साल के बाद जनता वो जूता के माला लेके खड़ा न रहेगा कि हाँ आ गए मुखिया जी, क्या किए नहीं किए। इसलिए जितना बन सकता है उतना हम लोग जनता के लिए करते हैं, वो रात हो दिन हो। अब आज ही देख लीजिए 2-2 गो पंचायती का क्या रहे हैं, कहला पंचायती का काम है सरपंच साहब को, लेकिन मुखिया जी को खोजेगा तो जनता के बीच जनता के लिए समर्पित रह रहे हैं एकदम, ये मेरा शुरू से है। चलिए, जनता को एक शुभकामना दे दीजिए, दीपावली और छठ पूजा है, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं लालगंज प्रखंड वासियों को, जिला वासियों को और पंचायत वासियों को दीपावली की शुभकामना करता हूँ और छठ पर्व को भी शुभकामना करता हूँ। शांतिप्रिय ढंग से पर्व को मनावे और भाईचारा बनाए हुए रखे। जय बिहार, जय भारत, जिंदाबाद। ये थे सरैया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि थे लखिंदर प्रसाद यादव उर्फ राकेश यादव जी, जो कि साफ तौर पर कहा है कि पंचायत में विकास हो रहा है, जो हमारे स्तर से होनी चाहिए विकास हो हम बिल्कुल कर रहे हैं, सरकार को भी चाहिए कि सरकार योजना दे ताकि पंचायत में जनता की और अच्छे से भलाई हो सके। कैमरा पर्सन धीरज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क, वैशाली।